कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य क्रमांक 8 दोहा अष्टक भाग 3 जिसमें अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की समीक्षा की जाएगी। इसका वीडियो लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमारशाला कर्णभास स्वामी नारायण गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम मुहावरे दिए गए हैं। प्रथम मुहावरा है हिल मिल चलना, अर्थात सहयोग करना। मुहावरे उसका प्रथम मुहावरा देखेंगे हिल मिल चलना। हिल मिल हिल मिल चलना, जिसका अर्थ आएगा सहयोग करना। सहयोग करना अर्थात एक दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना, उसे हम कहेंगे सहयोग करना। जिसका वाक्य होगा सबसे हिलमिल कर चलने में ही समझदारी है। वाक्य लिखेंगे सबसे हिल मिलकर हिल सबसे सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। चलने में ही समझदारी सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है कि सबसे मिलजुल कर हम काम करें तो वह कार्य अच्छा होता है, जिसे इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा मुहावरा इन दोहों में देखा था हमने लोहा भस्म हो जाना, अर्थात कठिन चीज का भी नाश हो जाना। लोहा भस्म हो जाना, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश हो जाना। कठिन चीज वस्तु होती है, कोई भी चीज वस्तु अपने कठिन देखते हैं कि ये कठिन है, यह टिका रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका भी विनाश हो जाता है। कठिन चीज का भी नाश होना, नाश होना। जिसका आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे जब आग में लोह भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती, अथवा गरीब की हाई से लोहा भी भस्म हो जाता है। कोई भी वाक्य प्रयोग जो योग्य लगता हो और योग्य हो वह आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मुहावरे देखे जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे।
प्रथम प्रश्न यहाँ दिया गया है, बड़े लोगों की संकुचित मनःस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर का उदाहरण क्यों दिया गया है, अर्थात खजूर का जो पेड़ होता है उसका उदाहरण दिया गया है। दुआ इस प्रकार था, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। तो इसमें से प्रश्न निकलता है, बड़े लोगों की संकुचित मनःस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो खजूर का पेड़ जो होता है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, बहुत ही ऊंचाई वाला होता है, पर उसमें जो फल लगते हैं वह ज़्यादा ऊंचाई पर लगते हैं, इसीलिए जल्दी से कोई व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। और जो थका हारा मुसाफिर उस पेड़ के पास से गुजरे तो उस पेड़ की छाया में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर होता है, इसलिए छाया नहीं देता, वह काफ़ी ऊंचा होता है, उसकी छाया बहुत दूर कहीं जाकर गिर रही हो, इसलिए वह कभी हमें छाया नहीं दे सकता। पूरा उत्तर इस प्रकार होगा, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उसमें पथिक को छाया ही नहीं मिलती, न उसके फल जल्दी प्राप्त होते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं उनकी संकुचित मनोवृत्ति होती है, वह सोचते हैं कि यह धन हमें अपने पास ही रखना चाहिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बड़े लोगों की संकुचित मनोदृष्टि खजूर के पेड़ के साथ तुलना करके दिखाई गई है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, इसका दुहा देखेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपशुभाय, सार सार को गही रहे, थो था देही उड़ाए कबीरा, थोड़ा दे ही उड़ाए। इस दुहे से यह प्रश्न निकलता है, प्रश्न है साधु पुरुष कैसा होना चाहिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु अर्थात कचरे को बाहर फेंक देता है। तो साधु पुरुष भी ऐसा होना चाहिए जो गुणयुक्त वस्तु हो, वह गुणयुक्त वस्तु को अपने पास रखे और गुणहीन वस्तुओं को बाहर निकाल दे। तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिलमिलकर रहने की सलाह क्यों देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं परीक्षा में आए ऐसे प्रश्न है, यहाँ यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने की बात क्यों करते हैं, हिल मिलकर अर्थात मिलजुल कर रहने की बात क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, कौन से दुहे में होगा तुलसीदास जी मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। जरा दुहा आपको समझा देता हूँ, तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिले चालिए, नदी
नाव संजोग रे तुलसी नदी नाव संजोग। इस दुहे में तुलसीदास जी ने सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए, ऐसी बात की गई है। उसका कारण यह है कि तुलसीदास जी सबसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं। वह कहते हैं कि यदि हम सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इसलिए हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और सुरक्षा मिलेगी। इस प्रकार तुलसीदास जी सुख शांति और सुरक्षा के लिए सबसे हिलमिल कर अर्थात मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। फिर आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब बच्चों को पढ़ाकर उसकी मदद कर सकते हैं, हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक और प्रश्न है जो अभ्यास में दिया गया है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो यहाँ सज्जन की संपत्ति के बारे में बात किया गया है कि सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सज्जन लोग कार्य किया करते हैं। इस दुहे में है, तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पिए न पानी, कह रही मपर काज हित संपत्ति संचय ही सुजानी। कि जिस प्रकार पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खा जाता, जिस प्रकार सरोवर स्वयं का पानी नहीं पी जाता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी संपत्ति को स्वयं ही नहीं प्रयोग में लाता, वह दूसरों के लिए भी बचाकर रखता है, अर्थात दूसरों की भलाई करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करता है। अब हम महत्वपूर्ण स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, जिसमें आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं स्वाध्याय के प्रश्न पेज नंबर 46 में दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए? साधु के गुण बताए गए हैं, जिसमें हमारे आदि कवि कालिदास जी ने लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सर सर को गही रहे अने कोठा देही उड़ाए। बहुत ही महत्वपूर्ण गुण दिए हैं कि साधु पुरुष सुख जैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, जिस प्रकार सूप अर्थात सुपड़ा जिसमें अनाज को छाना जाता है, तो उसमें जो खराब अनाज होता है वह बाहर निकल जाता है और अच्छा अनाज उसके पास सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार संत पुरुष बुराइयों को निकाल फेंकते हैं और अच्छाइयों को अपना लेते हैं। इस प्रकार साधु पुरुष जो है उसका स्वभाव सुपड़े जैसा होना चाहिए। साधु सुप जैसे स्वभाव का होना चाहिए, सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ साधु का गुण बताया गया है कि साधु कैसा होना, साधु कैसा होना चाहिए। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को बुरी चीज क्यों मानते हैं? लालच की बात बताई गई है कबीरदास जी के द्वारा, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मरे और सिर धुने ठोठा दे ही उड़ाए। कि लालच में पड़ी हुई मक्खी जब गुड़ खाने के लिए जाती है तो वह बुरी तरह फंस जाती है,
उसके पंख उसी गुड़ में चिपक जाते हैं और बार बार वह प्रयत्न करती है, अपना माथा उस गुड़ में दे मारती है, अपने पांव उस गुड़ में दे मारती है, लेकिन जितना अधिक प्रयत्न करती है वह उस गुड़ में चिपकती ही जाती है और अंततः उसका अंत हो जाता है। उसी प्रकार लालची व्यक्ति की बात बताई गई है कि वह अपनी लालच में ऐसा डूब जाता है कि अंततः उसका अंत होता है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देते हैं। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल ही नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए लालच को कबीरदास जी ने बुरी बला माना है, खराब चीज मानी है। अब आगे तीसरा प्रश्न जो स्वाध्याय में दिया गया है, तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं, बहुत ही सुंदर दुआ है। तुलसी संसार में सबसे हिलमिल, भांति भांति के लोग, दो अलग अलग दुहे हैं तुलसीदास जी के। एक दुआ है, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, यह अपने अभ्यास क्रम में है, यही हम देखेंगे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर रहो, सबसे प्रेम बनाओ। यदि हम अच्छे हैं तो सभी हमारे लिए अच्छे बने रहेंगे, आप भला तो जग भला। सुरक्षा मिलती है, लोगों का स्नेह मिलता है और हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि हमारा स्वभाव अच्छा है तो। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि गलत काम करोगे तो गलत नतीजा मिलता है। तो प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने की बात क्यों करते हैं। हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग का उदाहरण देकर के कहते हैं कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। फिर गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो गरीब की हाय का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है, यह दुहा तुलसीदास जी का है। दुहा देख लेते हैं एक बार, तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय, तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। गरीब की हाय के लिए लोहार की ढोकनी का उदाहरण दिया गया है। ढोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से ही बनती है, ढोकनी से निकली हुई आग, ढोकनी से जो हवा निकलती है वह आग को और भी तेज कर देती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय ढोकनी से निकली हुई हवा की तरह ही होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर सकती है। इसलिए कवि कहते हैं कि गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की जो चमड़ी होती है, उसका जो चमड़ा होता है, उससे जो ढोकनी बनती है उससे आग और तेज हो जाती है। तो कुछ लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं, जानवर को पीटते रहते हैं और उसी की हाय अंततः लोहे को भी भस्म कर देती है। यानी कितनी खतरनाक हाय होती है जानवर की। उसी प्रकार गरीब की हाय की बात बताई गई है कि गरीब पर कुछ अमीर लोग अत्याचार करते हैं और उन अमीरों का अत्याचार से ग्रथित होकर
उन अत्याचार से ग्रथित होकर जो यदि कोई गरीब भाई दे दे तो उससे उन अमीरों का सत्यानाश हो जाता है। पांचवा दुहा देखते हैं, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है और एक बार टूट जाने पर वह पुनः जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उससे पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं प्रेम का धागा अर्थात विश्वास का धागा। यदि प्रेम और विश्वास की डोर किसी व्यक्ति के साथ हमारी बंधी हुई है तो हमें विश्वासघात करके उसे तोड़ नहीं देनी चाहिए। यदि एक बार हमने अपने स्नेही सज्जनों से विश्वासघात दगाखोरी की तो उसके बाद हम चाहे कितना भी उसे समझाने की कोशिश करें, काफ़ी समय भी बीत जाए और रिश्ते वापिस से जुड़ भी जाए तो भी वह व्यक्ति सोच के रखेगा कि इसने एक बार बहुत बड़ी गद्दारी की थी, प्रेम और विश्वास के धागे को तोड़ा था तो उनके वह प्रेम और विश्वास के बीच में एक गांठ पड़ जाती है जो आजीवन बनी रहती है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अभ्यास एवं स्वाध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने प्रस्तुत किए, आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। कुछ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर है, देख लेते हैं। कबीर किसे बुरा मानते हैं? कबीर लालच को बुरा मानते हैं। किसका स्वभाव सुख जैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव सुख जैसा होना चाहिए। लोहार की ढोकनी से क्या भस्म हो जाता है? लोहार की ढोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। गरीब की क्या व्यर्थ नहीं होती? गरीब की हाय कभी व्यर्थ नहीं होती। फिर अंतिम प्रश्न है, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख हमें रहीमदास जी ने दी है। फिर एक और प्रश्न देख देते हैं, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की इस वीडियो में समीक्षा प्रस्तुत की। आने वाले अन्य वीडियो में मैं सभी पाठों के प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा पुनरावर्तन के स्वरूप में। तब तक इस वीडियो से इजाज़त लेता हूं। जय स्वामी नारायण।